गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, रविवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। रविवार को बताएंगे सीएम योगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में ट्रिपल इंजन सरकार की खूबियां। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मिलेगा मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन। 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से बिजली कर्मचारियों की जारी हड़ताल को शासन द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आश्वासन देने पर बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक को किया स्थगित। कर स्कूटी लूटने वाले गैंग के गैंग लीडर आकाश गुप्ता, समीर अली, साजिद अली और सलामत उर्फ कल्लू अंसारी सहित 4 अभियुक्तों के ऊपर पिपराइज थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सपत्निक पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरक्षनाथ जी का किया दर्शन पूजन। सीएम योगी से भी किया मुलाकात। तस्करों के गैंग लीडर मिंटू अली, विशाल चौहान और सुमित कुमार निषाद के ऊपर शाहपुर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। कहा, जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में दिव्यांग बच्चों को कराया गया अवगत। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी चतुर्थ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश ITBP ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी की टीमों ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। रविवार की सुबह होंगे सेमीफाइनल मैच। अपराह्न 3 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पुरस्कार वितरण करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण एवं समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, दिव्यांग बच्चे अपने आप को किसी से न समझे कम। नायब तहसीलदार विकास कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील दिवस में आए कुल 60 मामले निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को दिए गए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला दिव्यांगजन अधिकारी संदीप मौर्य ने जनपद के सभी दिव्यांगों को दी शुभकामना। कहा, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पेंशन, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सुविधा करवा रही है उपलब्ध। दिसंबर से 19 दिसंबर तक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी संस्थाओं में ललित कला महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। 13 प्रतियोगिता होगी आयोजित। संस्थान के विद्यालय के साथ जनपद के अलग अलग विद्यालय के विद्यार्थी करेंगे प्रतिभाग। सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर CRC से निकाला गया जागरूकता रैली। लोगों को दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन किया। उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। रविवार को जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे। उसके बाद सुबह
9 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तत्पश्चात सीएम योगी लखनऊ के लिए प्रस्थान कर वहां दोपहर 12:30 बजे आगामी विधानसभा सत्र के संचालन के संबंध में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। फिर लखनऊ से गोरखपुर वापस आकर अपराह्न 3 बजे रीजनल स्टेडियम में आयोजित महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर अपराह्न 4 बजे महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम 5 बजे गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। आसन्न निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार सुनिश्चित करने के अभियान पर हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन इसी अभियान का हिस्सा है। प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे सम्मेलन कर चुके मुख्यमंत्री रविवार को गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर लोगों को निकाय स्तर पर भी समान विचारधारा की सरकार की खूबियां बताएंगे। इस अवसर पर वह शहर को 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। गोरखपुर सीएम योगी के ट्रिपल इंजन सरकार के फार्मूले का बेहतरीन उदाहरण भी है। केंद्र व प्रदेश में सरकार होने के साथ यहां के नगर निगम में भी भाजपा का ही नेतृत्व है। नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तक एक ही पार्टी का नेतृत्व होने से गोरखपुर के विकास कार्यों को मुख्यमंत्री मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निकाय चुनाव में एक बार फिर भाजपा का परचम फहरे और गत चुनाव में पार्टी के खाते से वंचित वार्डों में भी कमल खिले, इसके लिए प्रबुद्ध सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सम्मेलन को लेकर पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। रविवार को महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विकास और संवाद का समन्वय देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी के हाथों महानगर को पहले 6-लेन फ्लाईओवर समेत 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। प्रबुद्ध वर्ग भाजपा कार्यकर्ताओं व जन सामान्य से संवाद कर मुख्यमंत्री गोरखपुर की वर्तमान ट्रिपल इंजन सरकार और पूर्व की सरकारों की स्थितियों को भी स्पष्ट करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्तम दौरा है। सुबह से लेकर शाम तक वह शिक्षा, खेल, विकास एवं संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों के बीच रहेंगे। सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अपराह्न 3 बजे रीजनल स्टेडियम में आयोजित महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण कर खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करेंगे। अपराह्न 4 बजे महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम 5 बजे गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मोहतीपुर स्थित अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में संघर्ष समिति के संयोजक ऐश्वर्य सिंह ने बताया कि 1 महीना पहले हम लोगों ने शासन को अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसको देखते हुए हम सभी विद्युत कर्मी 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त बिजली कर्मियों को पिछले कई वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए, सभी श्रेणी के बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की वेतन विसंगतियां दूर किया जाए। केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों की भांति उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभागों में बिजली कर्मचारियों अभियंताओं के समस्त भत्तों का पुनरीक्षण सहित कुल 13 मांगों को पूरा किया जाए। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 दिनों से कर्मचारियों की जारी हड़ताल को देखते हुए लखनऊ में विभागीय मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और विद्युत विभाग के कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मांगों पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन का दिए जाने पर बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक को 15 दिनों तक स्थगित करने का फैसला लिया। बैठक में सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ऐश्वर्य सिंह ने कहा, शायद हमारी बात आज मान लेगी, तो इस नाते ये हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा कर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कुछ न कुछ इनके अच्छे रिश्ते रहे और हमारे ये संगठन के प्रखर वक्ता भी हैं, तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण मोहन यादव, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद।
ऐश्वर्य सिंह, संयोजक संघर्ष समिति। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, आज ये संघर्ष समिति का 5वां दिन का हमारा प्रदर्शन है। हम लोग अभी कार्य बहिष्कार पे हैं। बहुत पहले ही एक 13 सूत्री मांग की नोटिस दी गई थी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन को, जो कि यह 26 अक्टूबर को दी गई थी। आज एक महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उस नोटिस पे कोई भी सार्थक वार्ता आज तक उत्तर प्रदेश प्रबंधन द्वारा नहीं की गई। बहुत सी हमारी इसमें मुख्य मांगे हैं, उसमें हमारी चीज़ें हैं कि हमारी LMB 10 वाली जो योजना पहले थी उसको वापस किया जाए, पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारे भत्ते हैं उसको लेकर के चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी सार्थक हमारी जायज़ मांगे हैं, उन पर कभी भी प्रबंधन ने कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया। इसके चलते हमारा आज 5वां दिन का कार्य बहिष्कार है। मुख्य मांगे हैं कि हमारा जो LMB 10 है, जो हम लोग को सुविधा मिलती थी, जिसके लिए हमारी हर महीने से सैलरी से पहले ही पैसा कट भी जाता है, उसको सरकार खत्म करने का आदेश लगाई है। उत्तर प्रदेश प्रबंधन, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने खत्म करने का आदेश किया है, जिसके हम सरासर विरोध में हैं, क्योंकि हमको ये एक हक मिला हुआ है उत्तर प्रदेश, हमारे बोर्ड से UPSAB था, उससे एक हक मिला हुआ है कि हम लोग को जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पेमेंट होता है वो सैलरी से पहले ही कट जाता है। तो इसको किया जाए वापस, जो हमारी टाइम स्केल है 9 ईयर्स, 14 ईयर्स, 19 ईयर्स, उसको वापस किया जाए। और जो एक स्वेच्छाचारी और एक नकारात्मक माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, उसको वापस किया जाए। वो हमारा प्रबंधन एक स्वेच्छाचारी रवैया अपना करके सब पे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पे आमदा है, इसके हम लोग एकदम विरोध में हैं। हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करके हमारी मांगों को, जो भी जायज़ मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए, और उच्च प्रबंधन जो है, जो कि स्वेच्छाचारी रवैया अपनाया है, उसको रोका जाए। पिपराय थाने की पुलिस ने हत्या कर स्कूटी लूटने वाले अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराय थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान गैंग लीडर आकाश गुप्ता पुत्र रुदल गुप्ता निवासी बसडीला थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, दूसरा समीर अली पुत्र अब्दुल कादिर निवासी बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, तीसरा शाजद अली पुत्र इद्दन निवासी बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, चौथा सलामत उर्फ कल्लू अंसारी पुत्र समतुल्लाह बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। SP नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु हत्या कर लूट व चोरी से संबंधित अपराध करने के अभ्यस्तरत अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 3/12/2022 को थाना पिपराइच में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शातिर एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त आकाश गुप्ता एवं उसके अन्य 3 साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आकाश गुप्ता तथा इसके अन्य 3 साथियों ने मिलकर ब्रजेश सिंह की हत्या की थी तथा उनकी स्कूटी लूट ली थी। इन अभियुक्तों के विरुद्ध 14(1) के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी, जिसमें इनकी संपत्तियों की जांच कर और अवैध संपत्तियों को सीज भी किया जाएगा। 4 दिसंबर से शुरू होने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना नई दिल्ली RKS भदौरिया सपत्निक शनिवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और महायोगी गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। RKS भदौरिया महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सपत्नी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात किया। शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 गौतस्करों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि शाहपुर थाने की पुलिस ने 3 अभियुक्तों के ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर मिंटू अली पुत्र नूर मोहम्मद शाह निवासी अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार, दूसरा विशाल चौहान पुत्र स्वर्गीय अजीत चौहान निवासी जंगल अहमद शाह टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा सुमित कुमार निषाद पुत्र शिव कुमार निषाद निवासी जंगल धूसर हसनगंज थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। CO गोरखनाथ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु गौ तस्करी करते हैं और गौ तस्करी के अभ्यस्त अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर
न्यूज से बात करते हुए सीईओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने कहा, अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कल दिनांक 2/12/2022 को थाना शाहपुर में एक गो तस्करी करने वाले गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गैंग का गैंग लीडर मिंटू अली है। गैंग लीडर और गैंग के अन्य सदस्यों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नॉर्मल स्थित राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से बच्चों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा साथ ही उनके मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया तथा प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया, जिसके संबंध में अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। विकलांग बच्चों का सर्वांगिक विकास हो और सामान्य नागरिकों की तरह इनको भी शिक्षा दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक हर क्षेत्र में उनका विकास किया जाए और विद्यालय द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है तथा बच्चों को जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवा के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला दिव्यांग अधिकारी संदीप मौर्य सहित कॉलेज के प्रधानाचार्य अध्यापक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, सर के साथ साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री राम कृपाल जी एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट स्वागत में तालियां बजाने का हमारी भारत की परंपरा रही है कि जो अतिथि है वो देवतुल्य होता है, तो देवता तुल्य इनका सामाजिक शैक्षिक राजनीतिक हर तरह से विकास किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य रहा है। जो एक छोटा सा कहानी सी पर है, एक अष्टभक्त ऋषि थे। एक बार राजा के महल में विद्वानों की सभा बुलाई गई, उस समय सारे विद्वान उपस्थित थे। अंत में अष्टभक्त अपने वहां पर पहुंचे, उनको देखते हुए ही राजा भी हंसे और फिर जितने भी विद्वान थे सब लोग उनको देख करके हंसने लगे, क्योंकि अष्टावक्र महोदय आठ अंगों से विकलांग थे। तो अष्टावक्र महोदय ने उस समय कहा कि हे राजन, आप किस पर हंस रहे हैं? मेरे जो विकलांग शरीर है आप मुझसे विकलांग उस पर हंस रहे हैं, या जो हम लोगों को बनाया है, आपको भी बनाया है हमको भी बनाया है, आप उस पर हंस रहे हैं? इसलिए हमने आपके किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग हर मुस्लिम को प्रणाम कर सकते हैं। जो विशेष बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, जैसा कि हमारे सर ने आपको एक कहानी सुनाई और आप किसी से कम नहीं है, इसका टीका लगता हमारे समाज में आईएएस अधिकारी एक हलवाई है,
वो भी किसी से कम नहीं है। आपकी तैयारी करकर अपनी शिक्षा को बढ़ाकर आप अच्छे पदों पर जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। तो यही मुझे आशा है कि आप इस देश के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हो। यह इस स्कूल की भी मनोकामना है, यहाँ पे उपस्थित अध्यापकों सबकी मेहनत का फल होगा। सुंदरी क्यों मंसू, आप लोग भी हैं। मैं इनका स्थान पता है, आइए सर्टिफिकेट ले जाइए। चौधरी सानी संजना कक्षा 6 अरे बेटा को सहयोग करो। आज विकलांग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसी का मेन उद्देश्य है। सामान्य नागरिकों के तरह इनको भी शिक्षा दिया जाए, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, हर क्षेत्र में इनका विकास किया जा रहा है। इसी के रूप में इसको मनाया जा रहा है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को इसके लिए पढ़ाई लिखाई उनका हर क्षेत्र में विकास हो, विद्यालय द्वारा उसका शिक्षा दिया भी जा रहा है और इस विद्यालय में बच्चे उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी रहे, प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, इसके लिए बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो राज्य द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके सहयोग के लिए उनमें कई तरह से जो मशीनी यंत्र हैं उनका वितरण विकलांग अधिकारी के द्वारा महोदय द्वारा कराया गया है। और जहां तक बच्चों के भविष्य का प्रश्न है तो वो बच्चे हर क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपने खेल कूद के द्वारा, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उसका जो प्रमाण दे रहे हैं आप सभी के सामने प्रस्तुत है। उनके द्वारा जो संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और जो नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है बहुत अच्छा सराहनीय है। मैं बच्चों के भविष्य की आशा करता हूं कि वो भी एक सफल हो और उनका नागरिक जीवन उत्तम हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपने को प्रदर्शित कर सकें कि हम भी सामान्य जन के रूप में आज हमारा विकास हो रहा है, उसी का प्रमाण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, रविवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। रविवार को बताएंगे सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन में ट्रिपल इंजन सरकार की खूबियां। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मिलेगा मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन। 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से बिजली कर्मचारियों की जारी हड़ताल को शासन द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आश्वासन देने पर बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक को किया स्थगित। हत्या कर स्कूटी लूटने वाले गैंग के गैंग लीडर आकाश गुप्ता, समीर अली, साजिद अली और सलामत उर्फ कल्लू अंसारी सहित 4 अभियुक्तों के ऊपर पिपराइच थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सपत्निक पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरक्षनाथ जी का किया दर्शन पूजन, सीएम योगी से भी किया मुलाकात। तस्करों के गैंग लीडर मिंटू अली, विशाल चौहान और सुमित कुमार निषाद के ऊपर शाहपुर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने दी जानकारी।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। कहा, जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में दिव्यांग बच्चों को कराया गया अवगत। वैद्यनाथ जी चतुर्थ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश आईटीबीपी ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी की टीमों ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। रविवार की सुबह होंगे सेमीफाइनल मैच, अपराह्न 3 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पुरस्कार वितरण करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण एवं समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, दिव्यांग बच्चे अपने आप को किसी से न समझे कम। नायब तहसीलदार विकास कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील दिवस में आए कुल 60 मामले निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को दिए गए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला दिव्यांगजन अधिकारी संदीप मौर्या ने जनपद के सभी दिव्यांगों को दी शुभकामना। कहा, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पेंशन, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सुविधा करवा रही है उपलब्ध। दिसंबर से 19 दिसंबर तक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी संस्थाओं में ललित कला महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। 13 प्रतियोगिता होगी आयोजित। संस्थान के विद्यालय के साथ जनपद के अलग अलग विद्यालय के विद्यार्थी करेंगे प्रतिभाग। सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित। सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी से निकाला गया जागरूकता रैली। लोगों को दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी चतुर्थ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह एवं जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही रहे। पहला मैच केएस नैन बनाम जेडी एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें जेडी एकेडमी 43 अंक तथा जेएस नैन ने 41 अंक बनाए। जेडी एकेडमी ने केएस नैन को 2 अंकों से पराजित किया। दूसरा मैच जाट रेजिमेंट और बरेली आईटीबीपी के बीच खेला गया, जिसमें बरेली आईटीबीपी ने जाट रेजिमेंट को 11 अंकों से पराजित किया। प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच ग्रीन आर्मी एवं महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन आर्मी ने 1 अंक से महाराष्ट्र को पराजित किया। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच जाट रेजिमेंट रेड आर्मी के बीच खेला गया, जिसमें रेड आर्मी ने 4 अंकों से जाट रेजिमेंट को पराजित किया। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच जेडी एकेडमी व उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में 14 अंकों के अंतर से जेडी एकेडमी को पराजित किया तथा चौथे क्वार्टर फाइनल आईटीबीपी हरियाणा के बीच खेला गया, जिसमें आईटीबीपी ने 5 अंकों से हरियाणा को पराजित किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश आईटीबीपी आर्मी ग्रीन आर्मी रेड सेमीफाइनल में प्रवेश किए, जो रविवार को खेलेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा। फोटो सर जे डी वर्सेस उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला जे डी अकेडमी ग्रेटर नोएडा की सुशील भाई इसे तो यही तुम्हारे पूछ रहे हैं। Thank you.
परेशान परेशान सर बड़ी इशू लेकिन इस बार सर सबको परेशान किया है बार बार क्या हाथ निकलेगा संघर्ष अभी भी जारी रियाज सारे किए जा रहे हैं ये प्रसूद बार बार करते हैं मोबाइल लेकिन यहाँ कामयाबी मिलती हुई शरीश के लड़की के पास अमित नाथ जो देखिए आज आर्मी और उत्तर प्रदेश ने अभी क्वार्टर फाइनल जीता है और फिर अभी दूसरा क्वार्टर फाइनल और चल रहा है। कल इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल सुबह दोनों खेले जाएंगे और फाइनल मैच ठीक 2:30 बजे इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पे किया जाएगा जिसमें कल के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और यहाँ पे बहुत सी गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे और मैं यही कह सकता हूँ कि कल अच्छी कबड्डी देखने को मिलेगी। तो आपके माध्यम से ज़्यादा गोरखपुरवासी आएँ और ये निःशुल्क है, यहाँ पर रीजनल स्टेडियम में आएँ और कबड्डी का आनंद यहाँ पे पुरस्कार वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। अब प्रथम पुरस्कार पाने वाली टीम को 2 लाख रुपया, द्वितीय स्थाने वाली टीम को 1 लाख रुपया, तृतीय और चतुर्थ पे 50,000, सभी को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण एवं समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिसमें एलिम्को कानपुर एवं समग्र शिक्षा के संयुक्त प्रयास से दिव्यांग बच्चों के लिए सहयोगी उपकरण की व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला समन्वय बेसिक शिक्षा द्वारा 750 दिव्यांग बच्चों को 1050 उपकरणों का वितरण किया गया जिसमें 46 ट्राई साइकिल, 107 व्हील चेयर, 42 सीसी चेयर, 406 एमआर किट, 27 ब्रेल किट, 20 स्मार्ट केन तथा 228 श्रवण यंत्र और 35 कैलिपर वितरण किया गया जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण ने बताया कि हम सभी को शिक्षक के रूप में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चे अपने आप को किसी से कम न समझें, अपनी लगन, मेहनत और ईश्वर की शक्ति को एकत्रित करते हुए मेहनत करें ताकि जीवन में आगे सफल हों और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें। इस अवसर पर विशाल जायसवाल, शैलेश श्रीवास्तव, आरपी सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं विकलांग छात्र छात्राएं तथा परिजन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिव्यांग छात्र अग्रण मिश्रा, बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव विनोद कृष्ण ने कहा की अवसर पर मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड बीएसए सर, रिस्पेक्टेड डब्ल्यूओ सर, रिस्पेक्टेड और सर को बुके प्रदान करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करी। मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड बीएसए सर का इनको दीजिए नाम गौर प्रिया, अरे भी फोटो खींच लीजिए इनको पैर में। स्वागत करने के लिए हम रिस्पेक्टेड बीएसए सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अपने कर कमलों से भी इस क्षण को अभिभूत करें कि सर ने अपने व्यस्ततम समय में इन बच्चों के करी स्वामी कहाँ तू बीरा बजा रही है मासा।
से कैलिपर के पांच बच्चों को लेके भैया एम आर कितनी बात है पीछे पीछे गिर जाए सर हट जाओ बाकी लोग पीछे से निकलना चाहते निकल ऐसे ऐसे आप सारे लोग निकलते जाए निकलते जाइए सर। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे समेकित शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज ट्राई साइकिल का वितरण चेयर का वितरण चेयर का वितरण साथ ही साथ एम आर किट का वितरण हियरिंग एड का वितरण कैलिपर्स का वितरण दिव्यांगता के अनुरूप किया गया है। आप मैडम लोग आप लोग इधर से निकल मेरा नाम आकरण मिश्रा है सर। मैं आज अपने बारे में आज आप सबके बीच कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं सर। जैसे मैं जिस कठिनाइयों का सामना किया सर, आज वो हमें आसान लगने लगा। जैसे सर मैं इस कैंप से शुरू से ही इस कैंप से मैं पढ़ा और आज पढ़ते पढ़ते मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और इस वक्त हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल भवापार में हम इस समय अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे टीचर्स हमारे अपने कामयाबी का किसको संदेश देना सर क्या अपने कामयाबी का किसको संदेश देना चाहेंगे सर? हम अपने कामयाबी को मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने अश्विनी सर को देना चाहता हूं और जिन्होंने हमें इस मुकाम से उस मुकाम तक पहुंचाया है और हम इन्हें दिल से धन्यवाद थैंक यू। ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समेकित शिक्षा की ओर से आज समस्त उपकरण जो है बांटने का कार्यक्रम व्यवस्थित किया गया था। ऐसे बच्चे जो अपनी मुख्यधारा में बच्चों को लाने के लिए उनको जो विशिष्ट जन हैं उनको मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न उपकरण शासन सरकार द्वारा ये व्यवस्था दी गई है। 2000 से ये व्यवस्था सशक्त रूप से जारी है और इन बच्चों के कार्यक्रमों को आयोजन इनके खेलकूद का भी आयोजन किया गया है। इनको खेलकूद में मुख्यधारा में लाने के लिए इनको विशेष रूप से इनमें आत्मसम्मान इनमें जो है अपना एक लाने के लिए कि मैं हम मुख्यधारा में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से समर्पण भाव से इसमें संलग्न हो सकें। ऐसे माता पिता को जो इनके बच्चे इनको शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं उनके प्रति भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनको सम्मानपूर्वक उनका आदर करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बच्चों? बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपने को आप किसी से कम न मानें, अपनी लगन मेहनत से और अपने पूर्ण मनोवेग से जो ईश्वरीय शक्ति प्रदान की जाती है उसको एकत्र करते हुए और अपने को फुल ताकत के साथ लगें ताकि जीवन में आगे सफल हों, संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे यहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको इनकी पढ़ाई में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स एलएमको के द्वारा वितरित किए जाते हैं। हम ऐसे अभिभावकों को और ऐसे बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और अपने स्पेशल एजुकेटर्स का धन्यवाद देना चाहते हैं और DC विवेक का कि इन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और ऐसे बच्चों के साथ ही लोग लगे हुए हैं और इन बच्चों के विकास के लिए हम लोग मुख्य धारा में इनको जोड़ने के लिए पूरी तन्मयता के साथ हमारा विभाग लगा हुआ है। पुरस्कार वितरण भी किया गया है। इसमें हमारे बच्चों के मत बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई हैं, खेल हुए हैं और तमाम कंपटीशन हुए हैं, कल्चरल एक्टिविटी भी हुआ है। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नायब तहसीलदार विकास कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में
तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सदर तहसील के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 60 मामले आए थे, जिसमें अधिकतर मामले राजस्व व पुलिस से संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह टीम बनाकर मौके पर जाकर जाँच कर निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि तहसील समाधान दिवस काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया जा रहा है। इस अवसर पर भटहट के एडीओ पंचायत सुनील यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी व राजस्व कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसील के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने कहा, अधिक हिस्से मालिक है और उनका पट्टीदार जो है अपनी जमीन का कब्जा कर लिया था, उनको जितने उनको जितने मिले उसको 45 कराने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। मैं विकास कुमार, नायब तहसीलदार सिटी। यहाँ पे हर तरह के मामले आ रहे हैं, जैसे राजस्व संबंधित है, कुछ जो है ग्राम पंचायत संबंधित है, और कुछ जो है पुलिस संबंधित मामले हैं। जो भी जिस विभाग संबंधित मामले हैं, तुरंत उसका निस्तारण के लिए उस विभाग को सहायता कर दिया जा रहा है। अभी तक हमारे पास कम से 60 लगभग मामले आए हैं। काफ़ी कारगर है, ठीक है। लोगों की समस्याओं को सुन करके तत्काल गुणवत्तापूर्ण उनका निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने सभी दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी, जिसके संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने बताया कि जनपद के सभी दिव्यांगजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिव्यांगजन विभाग दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के भरण पोषण के लिए पेंशन की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत दिव्यांगजन को 1000 व कुष्ठ रोगियों को 3000 पेंशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए कोई भी दिव्यांगजन विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, उसके आवेदन की जांच करने के बाद पेंशन की राशि खाते में भेज दी जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने कहा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, जो कि भारत सरकार द्वारा 2016 में वो किया गया था, इसमें दिव्यांगों के क्या अधिकार हैं
उन लोग के क्या कर्तव्य और अधिकार हैं पूरे उसके सब बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे राज्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा ये इस पुस्तक का वहाँ से मिलती है और ये इसमें इसको लोगों को पढ़ना चाहिए, दिव्यांगों को पढ़ना चाहिए, खासकर अधिकारियों को भी इसको पढ़ना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा जान पाएँ उसके दिव्यांगों के क्या अधिकार हैं और ताकि उनको मदद की जा सके। अधिनियम या कोई भी शासनादेश हो किया गया है उसमें पूरा राज्यायुक्त कार्यालय से संपादित किया गया है और ये भी अधिकारियों को पढ़ना चाहिए और इसके बाद थोड़ा सा और उन लोग को पता लगेगा कि क्या कैसे चेंजेस हुए हैं और अब वर्तमान में क्या स्थिति है दिव्यांगों के प्रकार की जो दिव्यांगता है उसके उसके लिए कैसे दिव्यांग का एक दिव्यांग होता है या कैसे उसको दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसमें बहुत विस्तृत रूप में वर्णन है। उदाहरण के तौर पर जैसे बौनापन है तो अभी कोई 4.5 फीट का भी आता है तो वो कहता है मैं बौना का हमें सर्टिफिकेट बनवाना है, पर इसमें साफ साफ इस किताब में मेंशन है कि 4 फीट पे ही पहले 10% का वो होगा, 4 फीट पे ही 40% का वो बनेगा, उसके अगर ऊपर है तो बन नहीं पाएगा। तो ये सब वर्णन इस किताब में है, बहुत ही विस्तृत रूप में है, ये भी सबको जाननी चाहिए या ये थोड़ा सा सीएमओ सर के यहाँ का भी काम को कम करेगा और अगर लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे तो। धन्यवाद जी। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी गोरखपुर, सर्वप्रथम मैं जनपद के सभी दिव्यांग भाई बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और जो थीम है इस वर्ष की जो थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो थीम सेलेक्ट की गई है उसके तहत ही विभाग का जो निर्णय है वो हम सशक्तिकरण करेंगे दिव्यांगों के सशक्तिकरण का जो उससे मैच करता है थीम से, तो उसी पे हम लोग विभाग कर्णबद्ध हैं और हम लोग उसी पे काम करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पेंशन की सुविधा दी जा रही है, भरण पोषण योजना है जिसके थ्रू दिव्यांग को 1,000 रुपये और जो कुष्ठ अवस्था है उनको 3,000 रुपये का तिमाही पे दी जाती है। उसके बाद आपका कृत्रिम अंग सहायक उपकरण है जिसके थ्रू आपको ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, आपको कान की मशीन, स्मार्ट केन और एमआर किट आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। सर जो ऑनलाइन करना है पेंशन किस तरह से किया जाए, बहुत से दिव्यांग ऐसे परेशान रहते हैं गांव तक सूचनाएं नहीं पहुँच पाती है इसकी। इसके लिए SSPY पोर्टल है विभाग का, जो समाज कल्याण विभाग है सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत उसकी प्रति ऑनलाइन ही यहाँ कार्यालय में जांची जाती है, उसके सही पाने के बाद उसको फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड करने के बाद जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति ली जाती है, स्वीकृति के बाद वो डायरेक्टरेट स्तर पर उसको फॉलोअप करने के बाद लाभार्थी के खाते में, अगर सब कुछ सही पाने के बाद लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट उसके खाते में पैसे अंतरित किए जाते हैं हर तिमाही पे। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ललित कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसके संबंध में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर पूर्वांचल की 113 वर्ष पुरानी शिक्षण संस्था है जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी PG कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल छात्रावास एवं प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं। इन संस्थाओं में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सोसाइटी वर्ष के अंत में अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में ललित कला महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष यह महोत्सव 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में कुल 13 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं जिसमें हमारे 3 विद्यालयों के साथ शहर के अनेक शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभाग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस बार इस महोत्सव में पुस्तक एवं उद्यमिता प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उद्यमिता प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित उत्पाद विक्रय हेतु प्रदर्शित होंगे। 4 दिन परिसर में फूड कोर्ट लगा रहेगा जिसमें आगंतुक विद्यार्थियों के दर पर जलपान कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, ये सारी बातें प्रेस वार्ता नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव के रूप में मैंने आहूत की है। हमारी सोसाइटी की स्थापना 1909 में हुई थी। 113 वर्षों से हम इस पूर्वांचल में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बच्चों के ज्ञान
के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य उन बच्चों का पूरा विकास करना है, मनुष्यता उनके अंदर आए इसका विकास करना है। इसी क्रम में 1973 से हमारी सोसाइटी यह ललित कला महोत्सव करती आ रही। पहले सिर्फ चित्रकला की प्रतियोगिता होती थी, अन्य प्रतियोगिताएं धीरे धीरे जोड़ती गईं। हम 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 4 दिवसीय इस बार ललित कला उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि ढेर सारी प्रतियोगिताएँ हमारे पूर्व जो पदाधिकारी रहे हैं, स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी, राय बहादुर राम गरीब लाल जो हमारे संस्थापक थे, प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी, श्री कृष्ण जी श्रीवास्तव जी, सरोज श्रीवास्तव जी और राय बहादुर राम नारायण लाल और राम हर नारायण लाल जी, इन लोगों की स्मृति में ढेर सारी प्रतियोगिताएं हैं। 13 प्रतियोगिताएं कुल इन 4 दिनों में होंगी। इनके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दो चीज़ें इस वर्ष से नई जोड़ी जा रही हैं। एक उद्यमिता प्रदर्शनी जो हमारी गर्ल्स स्कूल राम नारायण लाल कन्या, हमारे PNICT का जो ओलेबुल के स्टूडेंट हैं, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्र कुछ ऐसे उत्पाद बनाकर वहाँ पर पेश करेंगे और उनकी बिक्री करेंगे जो कि समाज के लिए उपयोगी हो गया, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें समाज के सामने ला सकें, इसका हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ आज हम पुस्तक भूल चुके हैं, तो पुस्तक प्रदर्शनी भी इस परिसर में 4 दिन लगेगी, ताकि हमारे छात्र और उनके अभिभावक गण आके पुस्तकों को भी क्रय कर सकें और पुनः पुस्तक पढ़ने का माहौल पैदा हो। फूड कोर्ट पूरे 4 दिन होगा, क्योंकि हमारे 10,000 छात्र छात्राओं के अलावा नगर के विशिष्ट जितने विद्यालय हैं उनके भी प्रतिभागियों को हम लोग बुला रहे हैं इन 13 प्रतियोगिताओं में, तो एक अच्छी बच्चों की उपस्थिति होगी, एक उत्सव का माहौल होगा। तो उसके लिए फूड कोर्ट भी 4 दिन रहेगा कि न्यूनतम दर पर ऑन पेमेंट बच्चे अपना जो कुछ भी खाना पीना है खाते पीते रहें। हम सभी लोग इसका उद्घाटन भी एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत चल रही है कराना चाहते हैं जिसके उद्बोधन से बच्चों को नैतिक शिक्षा और नैतिकता का पाठ मिले। तो कुल मिला के यह आयोजन और जो सबसे महत्वपूर्ण था, देखिए मैं भूल रहा था, हमारे पुरातन छात्र महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के 113 वर्ष का इतिहास और डिग्री कॉलेज का 53 वर्ष का और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज 1946 में बना था उसका 76 साल का इतिहास, तो हम इनके एलुमनाई को भी इकट्ठा कर रहे हैं। इस वर्ष हम तीनों विद्यालय के 50 वर्ष पुराना बैच गोल्डन जुबली यानी 1972 और 25 वर्ष पुराना बैच सिल्वर जुबली 1997 बैच के छात्राओं को बुला रहे हैं। इंटर कॉलेज अपने परिसर में 17 दिसंबर को, डिग्री कॉलेज अपने परिसर में और राम नारायण लाल अपने परिसर में उन बच्चों का, पूर्व छात्रों का सम्मान करेगा विद्यालय की ओर से और उनके लिए दोपहर का भोज आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीतापुर आई हॉस्पिटल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में नागेंद्र पांडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर हर वर्ष CRC के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जाती है, जिसको देखते हुए इस वर्ष भी CRC के द्वारा जागरूकता रैली विश्वविद्यालय पंत पार्क तक निकाला गया। इस दिवस को पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिससे लोग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जागरूक हो सकें और दिव्यांगजनों के प्रति अपनी सहानुभूति रख सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CRC के नागेंद्र पांडे ने कहा, दया नहीं सम्मान चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, दया नहीं ईश्वर दिव्यांग के अंदर है, ईश्वर दिव्यांग के अंदर है, जो समझ गया वो सिकंदर है, जो समझ गया वो सिकंदर है, सम्मान चाहिए, हम दूसरी तरह से सक्षम है, हम दूसरी तरह से सक्षम है, अक्षम नहीं हम सक्षम है, अक्षम नहीं हम सक्षम है, सम्मान चाहिए, नहीं सम्मान चाहिए, हमें मेरा अधिकार चाहिए, मेरा नहीं सम्मान चाहिए, नहीं सम्मान चाहिए, आइए दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प लें, आइए दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प लें, अपनी शिक्षा का जिंदा, दिव्यांगों की जय जयकार, दिव्यांगों की जय जयकार, नहीं सम्मान चाहिए।
नागेंद्र पांडे, ओ इंडियम इंस्ट्रक्टर कम स्पेशल एजुकेटर विजुअल इंपेयरमेंट सीआरसी गोरखपुर। आज ये 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सीआरसी गोरखपुर द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है, जो निर्धारित समय से अपने यहाँ प्रांगण से प्रारंभ होकर के विश्वविद्यालय के प्रांगण पंथ पार्क तक जाएगी। इसमें अधिकाधिक संख्या में दिव्यांगजन तथा उनके अभिभावक जन, सीआरसी के सभी अधिकारी तथा कर्मचारीगण आज इस रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो अपने आप में पूर्व के वर्षों की भांति निरंतर यह जो आज का ये महत्वपूर्ण डे है पूरे विश्व स्तर पर सेलिब्रेट हो रहा है। तो आज सीआरसी गोरखपुर भी उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आप सभी को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, रविवार को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। रविवार को बताएंगे सीएम योगी, प्रबुद्ध सम्मेलन में ट्रिपल इंजन सरकार की खूबियां, नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मिलेगा मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन, 950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से बिजली कर्मचारियों की जारी हड़ताल को शासन द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आश्वासन देने पर बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक को किया स्थगित। कर स्कूटी लूटने वाले गैंग के गैंग लीडर आकाश गुप्ता, समीर अली, साजिद अली और सलामत उर्फ कल्लू अंसारी सहित 4 अभियुक्तों के ऊपर पिपराइज थाने के पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया सपत्निक पहुंचे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरक्षनाथ जी का किया दर्शन पूजन, सीएम योगी से भी किया मुलाकात। तस्करों के गैंग लीडर मिंटू अली, विशाल चौहान और सुमित कुमार निषाद के ऊपर शाहपुर थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजकीय दृष्टि बाधित बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। कहा, जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में दिव्यांग बच्चों को कराया गया अवगत। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी चतुर्थ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश आईटीबीपी ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी की टीमों ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। रविवार की सुबह होंगे सेमीफाइनल मैच, अपराह्न 3 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पुरस्कार वितरण करेंगे सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरण एवं समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, दिव्यांग बच्चे अपने आप को किसी से न समझे कम। नायब तहसीलदार विकास कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील दिवस में आए कुल 60 मामले निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को दिए गए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला दिव्यांगजन अधिकारी संदीप मौर्य ने जनपद के सभी दिव्यांगों को दी शुभकामना। कहा, सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पेंशन, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सुविधा करवा रही है उपलब्ध। दिसंबर से 19 दिसंबर तक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी संस्थाओं में ललित कला महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। 13 प्रतियोगिता होगी आयोजित, संस्थान के विद्यालय के साथ जनपद के अलग अलग विद्यालय के विद्यार्थी करेंगे प्रतिभाग। सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मानित, सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने दी जानकारी। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी से निकाला गया जागरूकता रैली, लोगों को दिव्यांगों के सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक। अब मुझे इजाजत दीजिए,
नमस्कार।